हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी जानते हैं कि एनर्जी मेजर एग्ज़ाम का जो है इस साल का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप सभी जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं भी इस बार जो है आपके लिए वीडियो जैसे पिछले साल बनाया था, इस बार भी मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाना चाहूँगा। और पिछले बार जो है मैंने जो न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे, लगभग जितने भी तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सारे न्यूमेरिकल्स को मैंने जो है कवर किया था। तो इस बार मैं फ्रेंड्स बहुत सीवियर्स में से मुझसे जो है ये सजेस्ट कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व कराएं। तो फ्रेंड्स मैं इस बार जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव्स में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं मैं उन सभी को जो है आपके लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो पेपर फर्स्ट जो है जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी ऑडिट पेपर का लिया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए आते हैं आज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर, ठीक है। इसमें मैं अभी आपको जो है थ्योरी तो आप खुद से कर सकते हैं, जो इसमें न्यूमेरिकल्स है मैं केवल उन्हीं को ही जो है सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द हीट कंटेंट ऑफ द 200 लीटर्स ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन टर्म्स ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी इन किलो जूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 200 लीटर का जो वाटर है अगर उसको हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उसमें कितना हीट कंटेंट होगा, उसको जो है हमको फाइंड आउट करना है किलो जूल में, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है वो मेरा जो है पिछला वीडियो जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे जो है उनको बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हीट कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट कंटेंट, ओके। हीट कंटेंट का फॉर्मूला होता है एम इंटू सी, सी यानी स्पेसिफिक हीट इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पर एम मास कितना है, 200 लीटर है, ठीक है। तो हम इसको जो है 200 केजी या लीटर एक ही होता है पानी के लिए। सी, सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर वाटर का स्पेसिफिक हीट पूछा है, तो अगर कैलोरी में पूछेगा तो 1 हो जाता है, और अगर यहाँ पर हमको क्या पूछा है किलो जूल में पूछा है, तो किलो जूल में स्पेसिफिक वाटर का हीट क्या होता है, 4.184, ठीक है, इंटू टी। टी कितने टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये करीब हमारा जो है 418 ये हमारा जो है किलो जूल में आंसर आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। C2H4 यानी कि मीथेन, ये हो गया एथेन हो गया, ठीक है, सॉरी मीथेन एथीन हो गया, ये एथीन हो गया, ठीक है, C2H4 है, ओके। C2H4 प्लस XO2 2CO2 प्लस YH2O, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X प्लस Y, बहुत ही सिंपल है ये। इसमें क्या है, हमको जो है मॉलिकुलर वेट को जो है बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसमें सॉल्व कर सकते हैं हम इसको C2H4 प्लस XO2 2CO2 प्लस YH2O, ओके। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम जो है ऑक्सीजन कंटेंट देखते हैं कितना है। देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, यहाँ पर 2 और 2 4 है, ठीक है, 2 और 2 4 है। और यहाँ पर मुझे जो है अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ, ठीक है, 2 कर दूँ तो ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 4 है, ठीक है, 4 है। तो मुझे यहाँ पर वाई पर क्या करना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, तब यहाँ पर 2 2 4, ये हाइड्रोजन 4 जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 हो जाएगा। तो एक्चुअली ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन ये हो गया, बट हमारा यहाँ पर 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 4 और है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो है 3 हो जाएगा। अगर यहाँ मैं 3 रखता हूँ एक्स की वैल्यू, तो 3 दूनी 6 6 ऑक्सीजन हो जाता है, और यहाँ पर 2 दूनी 4, और यहाँ पर मैंने 2 रखा है तो 2 ऑक्सीजन, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, यानी कि एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 + 2 = 5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो आप आंसर मैच कर सकते हैं, इसमें जो सेकंड में सी है वो इसका आंसर होगा, ठीक है, और फर्स्ट का तो आप देख ही सकते हैं
वन का डी था, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टीओई, यानी कि टी व्हाट इज़ द टीओई टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट ऑफ 125 टन ऑफ कोल विच हैज़ जीसीवी ऑफ 4000 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है फ्रेंड। ओके तो इसके लिए हमारा, इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, ठीक है। तो इसमें टोटल हीट कंटेंट कितना हो जाएगा, टोटल हीट कंटेंट, ओके टोटल हीट कंटेंट ऑफ कोल हो जाएगा हमारा 125 इंटू ये टन है, तो हम इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा जो कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है। एक मिनट, क्योंकि हमारा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो दिया हुआ है किलो कैलोरी पर केजी में, ठीक है। तो इसे जो है हम जो है टन को जो है किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 to the power थ्री हो जाएगा, और जिसे भी कितना था, 4000 था, ठीक है। तो 4000 किलो कैलोरी पर केजी, राइट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा आएगा, 500 into 10 power 6, 3 और 3 6, ठीक है, किलो कैलोरी हो गया। और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 50 into 10 power 7 किलो कैलोरी, करेक्ट, ठीक है। तो हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कि वन एम टी ओ ई कितना होता है, 10 power 7 किलो कैलोरी होता है, ठीक है। तो इसको जो है, अगर हमको ये जो हीट कंटेंट है कोल में, अगर इसे हमको जो है एम टी ओ ई में फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, 50 into 10 power 7 ये आया है वैल्यू कोल का, कोल के हीट का, इसे हम 10 power 7 एम टी ओ ई का इसको जो है डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 50 MTOE आ जाएगा आंसर, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, मैं बहुत ज़्यादा आपको जो है ब्रीफ नहीं करूँगा, सॉरी मतलब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। आप जो है दो लाइन का ही है, आप इसे जो है खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है। ओके तो ये हो गया। ओके अब नेक्स्ट है, ये तो थ्योरी हो गया है ना, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सारे तो थ्योरीज हैं। ओके देखिए, क्वेश्चन नंबर टेन जो है मुझे थोड़ा डाउट है, इसलिए मैं इसको आपको बाद में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। इसे मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, एन एक्टिविटी इन अ प्रोजेक्ट इज हैविंग एन ऑप्टिमिस्टिक टाइम ऑफ 8 days, अ मोस्ट लाइकली टाइम ऑफ 15 days एंड अ पेसिमिस्टिक टाइम ऑफ 16 days, इट्स एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन इज, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेक्टेड टाइम का, आंसर नंबर 13, ठीक है। हम जानते हैं कि जो एक्सपेक्टेड टाइम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 TM मोस्ट लाइकली टाइम, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, प्लस टी पेजिमिस्टिक, ओके डिवाइड बाय 6। तो हमको जो है टी ओ का वैल्यू क्या है, टी ऑप्टिमिस्टिक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8 days, ओके तो यहाँ पर 8 हो जाएगा इंटू प्लस 4 इंटू टी मोस्ट लाइकली टाइम कितना दिया है, 15 days दिया है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, प्लस टी पेजिमिस्टिक टाइम कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाई 6। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14 days, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में है 14, ये 14 है, ठीक है। तो ऐसे आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, राइट। 14 नंबर क्या है क्वेश्चन, 14 नंबर है
फ्रॉम एन एक्टिविटी इन अ प्रोजेक्ट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज 8 वीक्स, ओके, लेटेस्ट फिनिश टाइम इज 2 वीक्स, 12 वीक्स दिस स्लैक टाइम फॉर द एक्टिविटीज़, ओके। तो क्वेश्चन में स्लैक टाइम पूछा है, स्लैक टाइम मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, जिनको नहीं पता वो मेरा वीडियो प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है, सारा चीज़ उसमें डिस्क्राइब है। तो हम जानते हैं स्लैक को अब क्या बोलते हैं, फ्लोट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, LS लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, या क्या होता है, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में लेटेस्ट स्टार्ट टाइम दिया हुआ है और लेटेस्ट फिनिश टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम के साथ तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होना चाहिए, इसलिए इसका जो है कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ द अबव, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो थ्योरी हो गया है ना। इफ़ वाइंड स्पीड इंक्रीज बाय 3 टाइम्स एनर्जी आउटपुट फ्रॉम वाइंड विल बी, ठीक है। तो 17 का आंसर है ना, ओके 17, ठीक है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हम जानते हैं कि जो एनर्जी आउटपुट पर सेकंड ऑफ वाइंड टरबाइन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ρ a v³ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम वाइंड स्पीड को 3 टाइम बढ़ा देते हैं, 3 टाइम्स, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको वाइंड स्पीड को अगर हम 3 टाइम बढ़ा देते हैं, यानी v बराबर 3v हो गया, 3v का क्यूब्ड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ρ a इंटू ये कितना हो जाएगा है ना, ये 27 हो जाएगा v³, ओके। तो अगर ये 27 को मैं बाहर निकाल लूँ, 27 बाहर निकल गया तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 1/2 ρ a v³, और ये ρ a v³ क्या है आपका, ये आपका वाइंड टरबाइन है, वाइंड स्पीड है इसका, वाइंड स्पीड और वाइंड टरबाइन का जो पावर जनरेट हो रहा है वो है ये, ठीक है। तो ये कितने गुना बढ़ गया, ये जो वाइंड टरबाइन का जो पावर है 27 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 27 टाइम्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में देख सकते हैं हम, हाँ ऑप्शन में है बी, 27 टाइम्स, ओके, ठीक है। अब आंसर, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 25 kg ऑफ सॉल्ट टू 100 kg ऑफ वाटर, द वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं इसी में ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बोला है ना, तो यहाँ पर हम जो ऐड करते हैं वो यहाँ ऊपर हो जाता है, 25 kg बोला है, ये हो जाएगा डिवाइड बाई टोटल हो जाता है, 25 + 125 × 100 परसेंटेज के फॉर्म में। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 125 × 100, ठीक है, ये 20 हो जाएगा, तो 20%, ठीक है, 20% ऑप्शन में है क्या, है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कभी भी बोलता है फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बोलता है, ठीक है, और उसमें जो वेट अगर वो केजी में दिया है तो आप जो ऐड करते हैं उसका आप जो है यहाँ पर ले लीजिए वैल्यू, डिवाइड बाई टोटल वैल्यू ले लीजिए, जैसे 25 + 100 किया मैंने, इंटू जो 100 कर दीजिए परसेंटेज के लिए, तो आपका जो है ये सॉल्यूशन आ जाता है। एक होता है मोल फ्रैक्शन, उसमें क्या है, हम परसेंटेज में नहीं निकालते हैं, उसमें हम इंटू 100 नहीं करेंगे, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन होगा तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, ओके। द नंबर ऑफ मोल्स इन 90 kg ऑफ वाटर इज, ठीक है, क्या होना चाहिए 90 kg ऑफ वाटर में, तो हम जानते हैं कि जो मोल्स होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है मोल का, ठीक है, वेट बाय एटॉमिक वेट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वेट कितना है, 90 है वाटर का, ओके, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट क्या रहता है वाटर का, 18 रहता है, ठीक है, H2O, ऑक्सीजन का 16 रहता है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2, मतलब 18 हो गया, ठीक है। तो 90 बाई 18, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 18 × 18 = 90, 5 मोल, आंसर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है, ओके।
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फैक्ट्री हैज़ ए फिक्स्ड एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 2000 किलोवाट आवर पर मंथ एंड इट कंज्यूम्स अ टोटल ऑफ 38000 किलोवाट आवर पर मंथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग 90000 यूनिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, द वेरिएबल कंजम्पशन इन किलोवाट आवर यूनिट इज़। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो है स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है और ये इसके लिए ही यूज़ होता है एनर्जी कंजम्पशन के लिए, जब आपका फिक्स एनर्जी और वेरिएबल एनर्जी दिया हो तो। ठीक है, तो इसमें जो होता है, जो वाई होता है, वाई अपना क्या रहता है, टोटल एनर्जी कंजम्पशन, टोटल एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, ओके, उसके बाद एम क्या रहता है, एम जो रहता है वेरिएबल एनर्जी कंजम्पशन, वेरिएबल एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, एक्स हमारा क्या हो जाता है, ये कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका वैल्यू होता है, और जो सी क्या रहता है, फिक्स्ड एनर्जी कंजम्पशन, फिक्स्ड एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पर वाई क्या दिया हुआ है, अ फैक्ट्री हैज़ ए फिक्स्ड एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 2000, 2000 मतलब क्या हो गया, हमारा सी हो गया फिक्स्ड एनर्जी कंजम्पशन, तो यहाँ लिख लेते हैं 2000। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये प्लस कर लेते हैं। ठीक है, एंड इट कंज्यूम्स अ टोटल ऑफ 38000 कहा गया है, टोटल, टोटल मतलब क्या हो गया, वाई हो गया, तो 38000 ये हमारा आ जाएगा ऐसा। ठीक है, उसके बाद फॉर मैन्युफैक्चरिंग 90000 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 90000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, 90000 यूनिट यहाँ ऐसा आ गया। ठीक है, अब एम क्या है हमारा, वेरिएबल एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है, दी वेरिएबल एनर्जी कंजम्पशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये एम को हमको फाइंड आउट करना है, तो एम क्या हो जाएगा, 38 और माइनस 2 हो जाएगा 36000 डिवाइड बाई 90000। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 36/9/10, 9 4 36, 4/10 यानी कि 0.4, ये हमारा आंसर हो गया, 0.4 है क्या, है आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर रीड द सेम, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, अगर DBT इक्वल टू WBT है तो 100% जो उसका जो है RH वैल्यू होता है। ठीक है, ओके, 1 kWh इज कितना होता है, 1 kWh, तो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, तो 1 kWh इक्वल टू हो जाएगा, इसको जो है मैं जूल में निकालना है, यहाँ पर मेगा जूल दिया है। ठीक है, तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैलोरी भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पर मैंने सीधा ऑप्शन देके बोल दिया कि जूल में निकालना है, तो जूल में इसको सिंपली निकाल जा सकता है, तो 1 kJ/s। ठीक है, ये आवर है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3600 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, सेकंड कट गए, अब ये किलो जूल हो गया, तो 3600 kJ ये आंसर हो गया, पहला आंसर। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा किलो जूल में, तो ये 3600 kJ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मेगा जूल दिया हुआ है, तो मेगा जूल में क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव 1 2 3 जाएगा, तो 3.6 × 10³ हो जाएगा किलो जूल। ठीक है, अब ये 10³ है और ये K एक और है, मतलब 2 × 10³ दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 3.6 × 10⁶ जूल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं 10⁶ को, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ओके। अब जो है ये देखिए, जो मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा था ना फ्रैक्शन वाला, ये आपका जो है मोल में दिया है, तो मोल में हम 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, और जब हमको जो है क्वेश्चन जो है केजी में दिया रहता है, तब वहाँ पर परसेंटेज के फॉर्म में लेते हैं, और वहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई होता है, और जो आंसर होता है परसेंटेज में आता है। ठीक है, इसमें जो है मोल्स में है, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन, तो ये परसेंटेज में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 50 kg ऑफ वाटर इज मिक्सड विथ 0.34 मोल्स ऑफ सॉल्ट टू मेक अ सॉल्यूशन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मोल्स है। ठीक है, तो इसको जो 50 kg ऑफ वाटर है, इसे भी हमको जो है मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मोल में कैसे कन्वर्ट होता है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, मोल बराबर क्या होता है, वेट बाय एटॉमिक वेट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया है, 54
दिया हुआ है 54 डिवाइड बाई वाटर का एटमिक वेट कितना होता है 18 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो फ्रैक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन सेम, जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, जो हमने ऐड किया उसका, जो हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है वाटर में, 0.34 मोल्स ऑफ सॉल्ट ऐड हो रहा है, तो उसे जो है हम ऊपर में करते हैं, ठीक है, 0.34 डिवाइड बाई टोटल, अब जो मोल्स है वो जोड़ देंगे, तो 3 मोल जो है वाटर का हो गया और 0.34 जो है सॉल्ट का हो गया, ठीक है, तो 0.34 डिवाइड बाई 3.34, ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.10 आएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ओके, तो ये आपका आंसर हो गया ए, राइट। व्हाट इज़ दी फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द 6th ईयर इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू इज़ ₹2 लाख एंड द इंटरेस्ट रेट इज़ 9%, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें जो है आपका सॉल्यूशन नंबर जो हो गया 27 हो गया, ठीक है। तो अगर आज जब भी आपको फ्यूचर वैल्यू पूछता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू का, वो सिंपल जैसे हम मिश्र धन निकालते हैं ना, वैसे ही रहता है P(1+R/N)^2, तो यहाँ पर P की जगह मेरा क्या हो जाएगा, PV हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू 1+R/100^n हो गया, प्रेजेंट वैल्यू कितना था हमारा क्वेश्चन में, प्रेजेंट वैल्यू था हमारा 2 लाख, ठीक है, तो 2 लाख 1+R/100, R की वैल्यू क्या थी 9%, और ये कितना साल के लिए था, 6 साल के लिए, तो 6 साल बाद इसका जो वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 335420 आएगा, ठीक है, 335 और क्या है 420, ठीक है, 420 आएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 50 क्वेश्चन हैं सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं जो है इसको सिंपली जो है 2 लाइन में सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टेम्परेचर ऑफ -40 डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा बताना है, ठीक है, तो 28 नंबर, ओके, तो हम जानते हैं कि जो सी फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन है, C/5 डिवाइड बाई F-32/9, ठीक है, तो C की वैल्यू कितना था, हम अभी हमको दिया था C निकालना है, 40 फ़ारेनहाइट की वैल्यू है -40, ठीक है, C की वैल्यू निकालनी है, तो C/5 डिवाइड फ़ारेनहाइट -40 -32/9, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C/5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 4 3 7 -9, ठीक है, 8 हो गया, ठीक है, सी की वैल्यू हो जाएगी -8 × 5, मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया 28 का आंसर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ओके। अभी हमारा तो न्यूमेरिकल इसमें नहीं है, नेक्स्ट आते हैं, इस वाले पोर्शन में भी हमारा न्यूमेरिकल तो नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, एक चीज़ है इसमें हम देख सकते हैं कि गीगावाट है, गीगावाट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो गीगावाट का मतलब क्या होता है, 1 गीगावाट का मतलब होता है 10^9 वाट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन से ही देख सकते हैं, मेगा मतलब 10^6 और ये जो है 1000 है मतलब 10^3, तो 10^3 और 10^6 और 3 कितना हो गया 10^9 हो गया, तो 10^9 वाट, मतलब समझ जाइए इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा, 1 गीगावाट का आंसर, तो ये बी आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप सिंपली इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो 49 नंबर का है, ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, 300 लीटर ऑफ वाटर इन अ टैंक इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ओके, बाय यूजिंग अ डायरेक्ट स्टीम विथ एन एंथैल्पी ऑफ 600 किलो कैलोरी पर kg, दी मास इन किलोग्राम ऑफ स्टीम यूज्ड इज, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा,
इसका क्वेश्चन आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा है कि एक जो टैंक है उसमें 300 लीटर का जो है पानी रखा हुआ है, 300 लीटर पानी रखा हुआ है और इसे जो है हीट किया जाता है 30 डिग्री से 70 डिग्री पर, ठीक है, इतना इसको हीट दिया जाता है, ठीक है। और हीट कैसे दिया जा रहा है, एक स्टीम के थ्रू दिया जा रहा है जिसका जो एंथैल्पी है 600 किलो कैलोरी पर केजी है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि उस जो जो स्टीम दिया जा रहा है उसका टोटल जो मास होगा वो कितना होगा, कितना यूज़ किया गया होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो ये सिर्फ एनर्जी बैलेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 49 नंबर, ठीक है, अगर हम हीट दे रहे हैं स्टीम से और उसका एंथैल्पी को पता है इक्वल टू, अब जो वाटर का, वाटर में जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो क्या हो जाएगा, एम सी पी डेल्टा टी, ठीक है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि मास ऑफ स्टीम कितना होगा, एंथैल्पी जो है स्टीम का दिया हुआ है ये है 600 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है, 600 किलो कैलोरी पर केजी दिया हुआ है। ठीक है, तो 600 हो गया ये, ठीक है, इनटू यहाँ पर जो जो पानी है, पानी का जो पानी का जो पानी का क्वांटिटी कितना जिसको गर्म किया जा रहा है वो है 300 लीटर, ठीक है। तो हम 300 लीटर को 300 किलो लिख सकते हैं इनटू सीपी की वैल्यू 1 मान लेते हैं, किलो कैलोरी पर केजी डेल्टा टी कितना डिफरेंस आ रहा है 30 से 70, मतलब 70 माइनस 30, ठीक है। तो एम इंटू 600 इक्वल टू 300 इंटू 40, ठीक है। तो ये दो जीरो से दो जीरो कट गए, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 40 डिवाइड बाई 6, 20 केजी, ये हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन में है क्या, तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में, इसमें जो है ऑप्शन में नहीं है 20 केजी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन है वो डी नन ऑफ दी वो हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ऑब्जेक्टिव जो है हमारा जो है सॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न हो या आपको लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से बता रहा हूँ तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और मैंने स्पीड से आपको इसलिए बताया है ताकि जो है ये मतलब मैं एक वीडियो में जो ये 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बिल्कुल आप शेयर करें, ओके, थैंक यू सो मच।